मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक ड्रॉप, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप हो सकता है जो आप जो वीडियो देख रहे होंगे, या आपका पहला ड्रॉप होगा, या फिर आपने 2+ ड्रॉप्स लिए होंगे और अब आप बोल रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स ले लिया, मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है, मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टूडेंट्स ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो क्या कर सकते हैं, और इसका कोई गाइडेंस उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि काउंसलिंग राउंड 2 की हो चुकी है और अब सिचुएशन आपको भी पता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं, और अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते तो ऑब्वियसली बात है एक नीचे फॉर्म दिया गया है, उस पर जाके आप अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर कहीं वीडियो में फ्लैश हो रहा होगा वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनका बजट 70+ है। हम डिस्कस करेंगे एक एक करके जिनका बजट कम है या फिर जिनका मेरिट नहीं है, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करूंगा, तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स का बजट 70+ तक जा सकता है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जाएं MCC की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का वेट करें, राजस्थान एक स्टेट है उसकी काउंसलिंग का वेट करें, या फिर आप यूपी स्टेट में अगर कोई कॉलेजेस बचेंगे, यहाँ पे हम उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटी, उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे सीट्स वेकेंट हैं। हम वहाँ का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बजट एवरेज 70+ जाएगा, 70 की जगह अगर मैं उसे बोलूँ 90 से 1.2 CR तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। आप काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप फीस नेगोशिएट कर सकते हो, उनसे जाके डिस्कशन कर सकते हो कि हम फीस इस तरीके से पे करना चाहते हैं, तो वो डिस्कशन आपका इंटरनली डायरेक्ट कॉलेज से हो सकता है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शंस हैं। राजस्थान जो स्टेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी, अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं तो राजस्थान स्टेट ओपन हो जाएगा, अदरवाइज अभी क्लोज्ड है। यूपी की काउंसलिंग अभी चल रही है, और क्योंकि यूपी ओपन स्टेट है, इसका मतलब यह है कि इंडिया की सारी लोकेशन से, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या फिर नॉर्थ हो, या फिर वेस्ट हो, सारे स्टूडेंट्स यूपी काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं, तो अगर सीट्स अवेलेबल होती हैं तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी इस बजट पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यूपी में चांसेस हैं, क्योंकि यूपी में अराउंड 700 सीट्स अभी भी खाली हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 700 सीट्स खाली हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है, या फिर ऑब्वियस सी बात है एमसीसी में आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज ट्राई कर सकते हैं, बजट 70-80-90 लगभग आपका इतना जाएगा। अब इसमें से कहीं एडमिशन लेना है इन कॉलेजेस के लिए, कहीं से गाइडेंस चाहिए है, काउंसलिंग कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारा बजट 70+ नहीं है, हमारा बजट तो 50 से कम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, जब 50 से कम है आपका बजट, तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप BDS या फिर आयुष कोर्सेज की तरफ आप बढ़ेंगे, आयुष हो गया या फिर वेटरनरी हो गया, ये कोर्सेज हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हो। सैलरी वाइज मैं बात करूं, करियर वाइज अच्छे ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा इमरजेंसी केसेस होते नहीं हैं, और एक वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता है आपका, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमें तो सिर्फ और सिर्फ MBBS करना है, हमें स्पेशलिस्ट ही बनना है, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में हमारे नाम से हम जाने जाएं। उसके लिए आप बोलोगे कि सर हमें तो सिर्फ MBBS ही करना है, अब हमारे पास बजट तो है नहीं, तो क्या हम MBBS करने का सपना छोड़ दें? आंसर है नहीं। आप MBBS कर सकते हो अब्रॉड से। अब आप बोलोगे सर अब्रॉड में कितनी कंट्री, अब्रॉड में जिस कंट्री का नाम लोगे आप वहां से कर सकते हो, बट सवाल यह है कि क्या हमारे पास उतना बजट है, 50 लाख से कम का बजट में हम कर सकते हैं वहां से? तो आंसर है नहीं। तो कंट्रीज हमारे पास कम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कितनी दूर है कंट्रीज, तो काफी सारी कंट्रीज इंडिया से जुड़ी हुई हैं, काफी सारी कंट्रीज 2-3 घंटे की फ्लाइट आर में है, काफी सारी कंट्रीज 10 घंटे की फ्लाइट आर में, तो ये भी ऑप्शन है। लेकिन उन्हें चूज करने से पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि सारी की सारी कंट्रीज NMC गाइडलाइंस को फॉलो करें, इंस्टीट्यूशंस NMC गाइडलाइंस को फॉलो करें, अदरवाइज आपका एजुकेशन वेस्ट हो जाएगा।
अब इससे बचने के लिए मेरा सजेशन ये है, ऑब्वियसली बात है आप जाओ हमारी टीम से बात करो कि अगर एब्रॉड से प्लान कर रहे हो तो क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो बोलेंगे सर हमारा बजट 50 है, 50 से 70 है, इंडिया में हमारे पास ऑप्शंस है नहीं, 70 से प्लस हम जा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है। फिर आपके पास एब्रॉड में भी ऑप्शंस हो सकते हैं, पास के देश हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ की काउंसलिंग करें और वहाँ पे एडमिशन लें। और अगर आपको नहीं पता है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे कॉलेज में अप्लाई किया जाता है, तो इसके लिए आप अगेन हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनका बजट तो है ही नहीं, गवर्नमेंट जितना कट ऑफ है नहीं, तो इस सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कौन वीडियोस कौन देख रहा है, लेकिन ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ये बचा है, BDS, आयुष या फिर वेटनरी कोर्स आप करें, या फिर उसके अलावा नॉन डॉक्टर फील्ड की तरफ बढ़ें, नॉन डॉक्टर फील्ड की तरफ बढ़ें तो आपको ज़्यादा शायद मतलब हेल्प मिलेगी। तो होपफुली आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सकूं, लेकिन हो सकता है कोई मिस हो गया होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसमें कमेंट कर सकते हो आप, हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर।